दोस्तों आज आपको बताएंगे कैल्शियम नाइट्रेट के बारे में, इसका प्रयोग कौन कौन सी फसलों पर किया जाना चाहिए और इसके अंदर क्या क्या होता है और ये क्या क्या कार्य करता है और क्या क्या पहचान है जिससे हमें देखकर और किस प्रकार हमें इसकी पूर्ति करनी चाहिए सब बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जागर सिंह और शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर अपने किसान दोस्तों में शेयर करें ताकि दूसरे जो हमारे किसान दोस्त हैं वो भी इससे फ़ायदा उठाकर अपनी फसलों की पैदावार बढ़ा सकें। तो दोस्तों, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, कैल्शियम नाइट्रेट, इसके अंदर होता है कैल्शियम और दूसरा होता है नाइट्रोजन। तो दोस्तों, जो कैल्शियम की जो पहले पहचान बता देते हैं कि हम अपने पौधों में किस प्रकार पहचान करें कि इसमें कैल्शियम की कमी है। तो दोस्तों, जैसे अन्य तत्व हैं उसमें तो आपके जो नीचे की पत्तियां होती हैं उस पर ही स्पष्ट हो जाता है, लेकिन जो हमारा कैल्शियम नाइट्रेट है यानी कि जो कैल्शियम है, तो कैल्शियम की कमी के जो लक्षण हैं हमें पौधे के ऊपरी भाग में दिखाई देते हैं। पत्तियां किनारों से पीली सी पड़नी शुरू आती हैं और हल्की मुरझाने लगती हैं और वो धीरे धीरे टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं यानी कि सिकुड़ने सी भी लगती हैं। तब हमें पहचानना चाहिए कि हमारे पौधों में, हमारी फसल में कैल्शियम की कमी है। अब बात आती है दोस्तों नाइट्रोजन की। अब नाइट्रोजन जो होती है वो सब जानते हैं कि जो इसकी जो पैदावार है वो बढ़ाने के साथ साथ ये पौधे की जो लंबाई बढ़ाती है यानी कि पौधे का एकदम जल्दी विकास करती है। लेकिन दोस्तों, यदि हम नाइट्रोजन ज़्यादा मात्रा में देते हैं तो उससे बीमारियां आने का भी खतरा रहता है, जबकि हमारा जो कैल्शियम है इसकी पौधे की जो मजबूती होती है यानी कि तना भी मजबूत होता है, पत्तियां भी मजबूत होती है, जिससे बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ती है। तो दोस्तों, इसमें जो मुख्य कारण है कैल्शियम का वो होता है कोशिका भित्ति को मजबूती प्रदान करना, यानी कि जो हमारी पादप कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, उनकी जो दीवारें होती हैं, जो उनकी जो दीवार होती है उसको मजबूती प्रदान करना। तो आप समझे, ये हम जब कोशिका ही पहला भाग होती है, चाहे वो पादप हो यानी कि चाहे पेड़ पौधे हों या हमारे जो मानव हैं या कोई जीव जंतु हों, जो पहला जो आप सब जानते हैं ये सेल ही होती है यानी कि कोशिका ही होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार आप पहचान करके अपने कैल्शियम नाइट्रेट से उसकी पूर्ति कर सकते हैं, क्योंकि अगर कैल्शियम में एक तो कैल्शियम हो गया और दूसरा नाइट्रेट हो गया तो कैल्शियम नाइट्रेट में दोनों तत्वों की पूर्ति हो जाती है, कैल्शियम की पूर्ति हो जाती है और नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। तो दोस्तों, जब हमारे पेड़ पौधों में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनका विकास अच्छे से नहीं होता है, वो सुस्त अवस्था में आ जाते हैं। और जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है या ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो उनमें वातावरण सहने की क्षमता नहीं रहती। यदि हम कैल्शियम नाइट्रेट लगा देते हैं तो उनमें जो वातावरण से लड़ने की क्षमता हो जाती है यानी कि वो ज़्यादा सर्दी में भी पौधे अच्छा सा विकास करने लगते हैं और ज़्यादा गर्मी में भी पौधे हमारे जो विकास करने लगते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार आप इस जो कैल्शियम नाइट्रेट है इसका आप प्रयोग अपनी विभिन्न फसलों में कर सकते हैं। अगर बात आती है नकदी फसलों में तो आप इसका प्रयोग गन्ने में भी कर सकते हैं और सब्जी की विभिन्न फसलों में कर सकते हैं, जैसे टमाटर है, प्याज है, लहसुन है। जैसे प्याज लहसुन है, इसके जो कंद होते हैं इनकी जो मोटाई भी ये हमारा जो कैल्शियम है ये बढ़ाता है। और दोस्तों, और पौधे का जो सर्वांगीण विकास होता है ये कैल्शियम नाइट्रेट करता है। तो दोस्तों, आप कैल्शियम नाइट्रेट से दोनों तत्वों की पूर्ति करके अपने पौधों को, अपनी फसलों का संपूर्ण विकास कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो कैल्शियम होता है अगर इसकी कमी हमारे पेड़ पौधे में आ जाए और उसमें जो फल आते हैं फलों का स्वाद भी खराब हो जाता है, यानी कि जो फलों का जो टेस्ट है वो बेकार हो जाता है और हमारे फलों की जो क्वालिटी है वो भी बेकार हो जाती है। अब दोस्तों, बात आती है कि इस कैल्शियम की जो पूर्ति है हम कैसे कर सकते हैं।
तो जैसे एक तो कैल्शियम नाइट्रेट हो गया, तो आप इसको जड़ों में दे सकते हैं, जो 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप जड़ों में डालकर आप उनका सिंचाई कर सकते हैं, यानी कि पानी दे सकते हैं, तो पूर्ति हो जाती है। और दूसरी बात आती है जो ड्रिप एरिगेशन होता है, यानी कि ड्रिप सिस्टम से जो सिंचाई होती है, उसमें भी आप कैल्शियम नाइट्रेट को घोलकर ड्रिप द्वारा पौधों को दे सकते हैं। और दोस्तों तीसरी बात आती है स्प्रे की, तो दोस्तों आप 1 किलो से 2 किलोग्राम तक प्रति एकड़ आप स्प्रे में 200 लीटर पानी में घोलकर कर सकते हैं, जिससे हमारे पौधों में कैल्शियम की पूर्ति होगी और नाइट्रोजन की पूर्ति होगी। तो दोस्तों इस प्रकार आप इसका प्रयोग करके अपनी विभिन्न फसलों की पैदावार बढ़ाकर अपना लाभ बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा, नमस्कार।